जा रही में तो कह रही हो रड़ला ए पंडित था। कोई बता तू। हाँ बता। उन्हें 14 विद्या जानती हूँ मंत्र ते माखी माखी बना लूँगी। व्यास गद्दी पे बैठो भयभीत है वो। हाँ चौके नले ध्यान वायो और का मरिया वालो। हाँ पीछे बना हुआ बन चुके हो। हाँ दाले के ड्रके मार जाने मोह में माखी बना के बेना में लगा के रखो हूँ। दो तीन दिन बड़े परेशान है जाते हैं और घबर है व्यास गद्दी पे। हाँ सले ही नले के जी 14 विद्या जानते है बिल्कुल का उते बना हुआ बन जाए पहले। हाँ तो वह मालूम रहते और का जी का घिसलो है। नल ने कही राजा प्रथम भाई एक बात बताओ। हाँ व्यास लोग ब्राह्मण लोग हाँ, इन पे छत्री नो काम हो तो है। हाँ काय को शस्त्र उठावे को या वह मारवे को परेशान करवे को ये जारी बारी इनते कहो कछु। हाँ ये बार बार कह रही है तो मरवा दूंगी कटवा दूंगी बता क्या अबे तुम्हें बोलती है। हाँ प्रथम ठाड़ा वो है भाभी। हाँ कहते रानी साहबती और क्या खामोश रहे खामोश बैठ जाओ शांति। हाँ कथा तंत्र पे आ रही है कथा तंत्र पे आ रही है मूतनी विचार कर रही है। हाँ जा डढ़लाए देखूंगी आज कैसे जाएगो बागन। हाँ हाँ यार कतुनाए नरवर में रात को अरे कथा बंद है जा एकांत में बैठे। हाँ पूछे का पंडित जी जी कथा कब ते सीखी है जा पुस्तके कहाँ से लाए हो। हाँ, एकांत में मिले तो दो बात करे। हाँ कछु भेदो चले हजार को कछु भेदो चले। हाँ कछु तुम क्यों हम का किंगे जो आवे सो कह कर है वो भाई हरि सिंह कह कर है वो। हाँ कह कर है वो भाई जी विजेंद्र को कह कर है भाई। अच्छा हाँ जी सरदार बात ऐसी है एक आदमी पे ये कोई छोरा हो भाई साहब डोके डोकर आए छोरा पढ़ लिख के होशियार है गो सियाल है गो गांव के बोले भाई ये डोके डोकरा बड़े बूढ़े है गए न हो तो भाई आप ब्याह करवाए ये को बोलो कर लाला हम करवाएंगे भाई ससुरारते ग्वाले भाई ससुरारते ब्याह करवा दो बहू आ गई और वहाँ पे चार पैसा तगा दे कह गई ग्वाले कही भाई ये चार पैसा निकालने चाहिए विचार करो बहु घर करी वाल के देख मैं तो जा रहा हूँ परदे सकूं चार पैसा तगा दे कहे गए कमाए के ये चार पैसा देने और तू डोके डोकरा सेवा करी क्या गुतो ने करो बहु रह गई एक साल रह गई लौट के ना आयो नहीं तनो पैदा भयो नगो आयो। बहु बोली के माता जी चाहे बेटा तो आए ना साल भर रह गई मैं क्या करूं के बेटा एक साल में फरिया इलाज और राख दे साल दूसरे काट गई बहू ने बोली अम्मा ताजी वो तो आई ना फिर ना आया छोरा डोकराते कही ओ बूढ़े क्या कहा है बहू जा रही है कह रहा बहू जा रही है के क्यों के छोरा ना आया उन्यो एक साल को आई कहे थे काट गई एक साल में ही फरिया इलाज ला के गई और अब कुछ जा रही है अरे तो रानी ने कहा मेरे छोरे भेज दे ग्वान गई बेटा तो दी क्या तो करियो तेरे ससुर बुलाए रहो है बहू आई बेटा कहा बात है के पिताजी तेरा बेटा आए ना है एक साल उन्हें कहे थे काट दई एक साल डोकरी की लाज रख दई अब मैं क्या करूं बताओ समझने की कोशिश करो क्या है एक साल मेरी स्वापा की लाज रख दे पहले राखती वाले की चलो पिताजी पहले लाज राखती भाई सरदार तीन साल बीती रह गए पर छोरा जब ना आयो न वहां पे तो धन जुड़ियो न वो आयो बहु बोली अब पिताजी मैं क्या करूं कि बेटी तो दी क्या सो सो वो होनहार की बात हुआ भैया आए भाई वाह बोलो लाली कैसी मौज है कि भैया जैसी पियर जैसी सासुरे वाह रोटी लेता मैं घाटो ना पड़ती हो बहनों ही तो लौटो ना ब्याह कर के तीन साल है गए चल तो एक काम कर लाली तुम संग चल 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 लेबा के गांवों पहुंचो महीना पंद्रह दिन गुनु इंतजार देखो न कोई आया दूसरी जगह छोरा बैठा दी भाई लूट करती छोरा आयो साल भर पीछे चार साल है गई वाले कही लाभ हरी को हिसाब कर डोके थे कही अम्मा हाँ बहू का आए के बहू तो बेटा पियर हो गई देख देख पेड़ो एक साल ते कहते रही एक साल में कहते एक साल डोकरा कहते रही भैया आए हो लिवा ले तो कोई बात ना तो आप पियर है चिंता मत करे हाँ हिसाब करे बोहरी बोहरे के जोरे गए हाँ जी बोहरी तुम हिसाब करो अरे भैया तू आएगो
तो हिसाब तो होएगा बालकन हम सोची ने बालकन ले पर तू एक काम कर साल भर रह ये पे बालकन देख के ला भाई साहब जब हिसाब होगो हम सोच लेंगे और तू अब कहूं जाए थोड़ो रो वाह भाई सब तरह के और ये होता है सो सारे ऊपर लो अम्मा हां बहू ले वाला को ले वाला बेटा भाई साहब ले बाबे गांव गांव के बारे में के बड़े बूढ़े ढोकर आए वो मिले वाले के दादा राम राम का राम राम बेटा के दादा के एक बात पूछेंगे कहा भैया पूछ क्यों फलाने फलाने आदमी की छोरी नहीं है के क्यों बैठ गई और एक लाला को तो साल भर है ओ गोपे को छोरो है वो हम सुनिए को बात बात छोचो को भोजो को दे यार अच्छा कहा कहा है के फलाने फलाने गांव वाह छोरा ने विचार करो को मां जी आयो तो मार पर एक तक मुई मुई देखो चलो सो जाए के पहुंचो कोई गांव में घूमि रहो चारों लंग गली ना ए गली ना में घूमत गांव तो वो छोरा है प्यारे ही गोद में घर में काम देख आया और गेलन बैठी आहा जई जई ग्वाले निगाह करी के भाई क्या होता है वो जी गोतम है गो की भैया की निगाह परी के आयो आयो ब्याह था तो दो न को कछु ऐसे ही भयो पर वो पहचान कर आया अब गांव में ढूंढ लो वाले के भाई मुखिया और प्रधान बहुत बढ़िया जगह जगह मखी मुखिया प्रधान वाले पंचायत करके दूसरे गांव में गुण सुन ली गुण सुन ली वाह मुखिया लगे प्रधान लगे हां कहते हैं जाओ कोई फैसला कर दो नहीं तो जान तू ना भैया तुम ने वो कहा को तुम तो ना है ना जान तो मैं हूं ना भैया पूछो चलो पूछो आए लाला तू कुआ कहा को है मान के तुमको के मैं मुखिया हूं प्रधान प्रधान जी के लाला बोलो के प्रधान जी और मुखिया जी तुम्हें बात तुझे बताऊं जो साथ मर्द भैया थे पंचायत जो रोपे द्वारा सबे गांव में बुला लियो लूत काटो हां वाह जब बताऊं बात है मान के कोई ऐसी बात ना पिटवा दे सारे डोली पिटवा दे दो तब पब लगाएगी गांव वाह मुखिया द्वारा मुखिया द्वारा धीरे अब कोई ना आई ब्याह था वाह ग्वाल के सुंदरा को कहा बात करने पंचायत सुने हूं कना पंचायत पंचायत गुना धरू पाने के ना मानता कना तो ले छोरा बगल में देख गांव हो जाए मैं पी रही जाए अरे वाल के पता नहीं लोट 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 ने कब की कब आवे पंचायत तो आ जाए पंचायत चल 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 चल, चल सुनिया पंचायत को गई भैया न को झुंडू एक अलग आदमी न हो एक अलग जाके नी को की जरम बैठी ले छोरा है लेके छोरा वाले पहचान करी के आ गई हां पहचान भैया ने को लेके ब्याह था है वही है ग्वाल के लाला सब गांव में चले आए मुखिया ने कही हां कोई रहो ना कहे अब तू अपनी बातें कहे कहे के मुखिया जी बात तो कहूं कोई मारे हो तो ना अरे छोरा है मुंह पे चिंता मत करे दोनों गार के फेंक दूंगा अरे तू आ ग्वाल के कहूं कहां के भाई मुखिया जी मैंने का बेल यो तोमरा बीज वाड़ दो बेल भरी मेजपुर जी पे तो दूसरे के बिटोरा पहुंच गई वाह वहां पे फलो आए वो है अब जे बताओ को फलो कौन को है वो बिटोरा बारी को रहे हो के बेल बारी को रहे हो वाह और मुखिया जी बोले लाला बात तो बताएंगे पर सोच समझ के बताएंगे भाई पंचायत तो न्याय थी पंचायत न्याय थी होगी ऐसी बात ना है लड़ बजाई के पौआ पी के लड़ बजाई वाह चौका बस ज्यादा चल ले सड़क हम मैं लड़ बजा जा हां घेस लो अरे बाल के लाला न्याय हो वाह बाल भैया एक काम कर सोच समझ के प्रधान ने कही हां तू ऐसा करे तू अपई वा बेले खींच ले सो फलू आ जाए वो ते बेलू आ जाएगी वाह वाले कोई मारे हो तो ना अरे मारे गारंटी हम आई है पुंगा वाले हो ए चलियो को ठाली है के जो भैया को हाथ पकड़ के खींच ले वाह ओरे धरुका बोलो तो मैं का पंचो ओरे तो खा ले चलो पौधा है हां वाले भाई पंचो ये मेरी सुन लियो तू के भैया के मोए काम नहीं है का अंगूठी दे दे खाली वाह गवा में नगु नाऊ अब गवा में नहीं चला भाई तू तो को अंगूठी खाली को मालिक को का नगर समेत मालिक को आहा पर गोलंगर लाला तेरी पंचायत न्याय ते होगी वाह प्रधान ने कही के ऐसा करो वो नगर निकाल ले अंगूठी दे 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 भैया भैया अरे तू अपने नगर निकाल ले भाई अंगूठी दे 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 भाजो चलो को धरू का सो छोरा खींच ला भैया रे बैठ ओरा भैया रे बोली भाई ये तो छोरो हाथ ले ले लो परियो पर धरूंगा धरमूंगा तो उसी जो गई आहा ये क्या भाई वाले कहे भाई पंचो मेरी के बात सुनो भैया ने कही अरे तू कहे तू कहे के मैंने का पड़िया पान परास के व्यवस्था करी वाह गो आसरे की है गई मतलब जे ब्याह परी वाह आओ गा को दूध ओटायो पड़ोसी के दे जामन लाई गो जमायो दोता चलायो तो हम लोंदा ले करियो अब जे बताओ को लोंदा हुआ जामन बारी को है के पड़िया भाई को है अरे वाले के जो
जामन तो सब 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 पे दिली आमत है भाई लोंदा तो कोई गोई जाई पड़ी है भाई यार छूटी सो धरुका पे ते खेत छोरा है वाह दे मोहन दो चप्पल और फिर ब्याह ता संग पर गई फिर ना चली का भयो यहां ते पचे ने वो धरिया में गई दिखा दे चली गई होगी तू आज ना मिले होगा कोई हां हां पचे ने गई भाई हाथे लगा सना की अरे राजन आज छोरा नारद जी ने मंझा की गोद में दे दो और सेठ धीय बना के दक्षिण पर कुले गई सेठ सेठानी न में जब ते कथा सुनने लायक खुशहरे का है और का के ब्यास का है परमात्मा है और बाबा ए बहुड़े से उठ रहे बहुड़े से सेठ लगे भौड़े से उठ रहे हैं राजा हमें मरवाए देखो बनिया बिचारा ए जा पंडित दाड़ी वाले भाई तमाम खबर आ गई सेठ की खबर सेठानी खबर आ गई खबर आ रही है ढीली धोवती होते ये बहना गोई दिखते फेटो खुली गोई है हमारे घर मुर्दा मिल जाओ हमारे लेके आए आखरू आखर करी राजा ने मरवा घर बैठी पाए जाए वो तुम्हें गंगाधर पंडित जी और क्या वे गंगाधर जोरी बैठे बिलबिल आए रे विचार कर रहे थे भाई जे पंडित साजो कथा में विराम दे के बागन हो जातो है और का राजा के बड़े बड़े सिपाही संग जाते हैं जाके जंडेल कंडेल सूबेदार बड़े बड़े कर रहे हैं आज देख लो जो नेता है और बढ़िया शहरों पहले ही चलता है राजा जी को ऑर्डर हो चो गंगाधर ने विचार करो जाते दो बात कैसी हूँ है जा तो कैसे हो बरादरी को मामलो है और का जाते कहे कैसी उन कैसी बचवाए सके तो बचा सके तो क्योंकि ब्राह्मण खोपड़ी गंगाधर पंडित सलाई जी मरवा रो जी बचाई है जी बचा है वो कथा पता नहीं तो बिथाए जी बिथाए ए प्रथम ने कही सुनो क्या भयो क्या अगर ले राजा प्रताप बता महाराज ए गाड़ी सेठ नु लौटा है नहीं दक्षिणे पूरे का पल्ले रे राजा प्रथम बेटा लेके बैठी है और क्या भयो अरे करके बारी उम्र में मेरो ब्याह करके बारी उम्र में मेरो ब्याह अरे मेरो पति बाबा ही है योरी अरे करके बारी उम्र में मेरो ब्याह करके बारी उम्र में मेरो ब्याह अरे मेरो पति बाबा ही है अरे मेरे आंगन में लगाई गयो मेरे आंगन में लगाई गयो बरको पेड़ हो पढ़ाई में सुबना दे यो अरे मेरे आंगन में वाह हरि सिंह है बरको पेड़ हो पढ़ाई में सुबना दे यो अरे बरकी लंबी तो छिटक गई बरकी लंबी तो छिटक गई तेरे निचार रे पढ़े पंडिता सुना है अरे मेरो आबा ऊना भगत्यो मेरो याबा ही भगत्यो तेरे भरतार अरे मेरो जुबाना मिलो अरे और बीवी कैसे समारूंगी जिया अरे बारी उम्र में ब्याह भयो उम्र में ब्याह हो भयो हारी जानी पन में देखे ना है अरे पी अरे दक्षिणपुर के बारे में आई बेटा गोद में ले
रे राजा प्रथमा अरुणव खेरे गुरही सी सुनवाई और खेरे तेरी बैठन आई उछा अरे वो खेरे लक्ष्मण दादा के मेरी शहर पकारे नगर की है सब काजा परमात्मा को स्मरण करो और हृदय राख कौन सिला अरे मंगल भवन या मंगल हारी द्रव दशरथ मेरे राजा प्रताप इसी से कहते हैं परहित और क्या वो धन है लक्ष्मण से बेटी बना करके ले गए कोई दुखिया जीवन सफल होए दुनिया में जो काज बिरारे नर बहु धरे और भूखे भोजन दे अरे राजा के मन में ये से लिखी हारी प्रथम दक्षिणपुर के बारे में आई नव खेरे को रानी रही सी सुनवाई खेरे तेरी बैठन आई छा ओ खेरे लक्ष्मण दादा के मेरी समर पकड़ियो बा परमात्मा को स्मरण करो पर गाड़ी ए अरे भाई अरे होते आ रही और गलगला बात आ रे गलगला लक्ष्मण घरवारी राजा प्रथम बाहर निकली ए भेना जे गलगला तो हमारे बर्तन के बाजरे ढाई ढाई से पीतल लटक रहे बर्तन ही नारे हरि सिंह पहले बैल बड़े चढ़ावे की और का हो बैल चढ़ावे की बहुत शौक है और का हर में गाड़ी रथ मझोली और बैल को काम तुमन देखियो हमारे जो लगसमा में पड़ता है ग्राम सभा गहलो के पास में माधव नगरा वहाँ के आसाराम मल ले ऐसे ऐसे बैल चराए जो गंगा जमुना तो दुनिया बीचे ही कह देते आर पार तक चौंप खाए गए बद बद के जा रहे पिटवाई तो बैल ऐसे होते ऐसे ही गलगलाए और का हरी सिंह एक जुआरी को तो कार्य करियो आसाराम लगा समाए दे समाल वो बात है और का है जब जब तो पचेरे पटक खाते हैं लगा समा में आए के कैसी रिश्ता ले कैसी रिश्ता ले ये जे तो हमारे के लगला बाज रहे हैं आए के ये कैस लौटे आए पहले भैयानो पहचान लेती और को आपे आदमी की गाड़ी नजर पड़ी की हरी सिंह हाँ गाड़ी नजर पड़ी हाँ हमारी यही और का ने करो गारो गाड़ी अरे भेना जाओ तो भैया रे हम बे ये तो भैया का लाए लच्छी सेठ के घरवारी हो बीवी सुनते ना हो हां देख लियो बुढ़िया तो तुम आओ बुढ़िया तो थकवा रे बुढ़िया तो में घरे जो करके लाए वो तो गाड़ी ने करो गारो बड़ी ये भेना जाए तो गोदम बालक हो है अरे राजा प्रथम सेठानी देख देख अरे जा बूढ़े तो थकवा याद आए हां राजा प्रथम मेरी मेरी मार रहे हैं हां देख ले दीमान हाँ जो बने नहीं देख ले क्या कह रही है हाँ तो दीमान मसे के दे तो राजा पर चुप रहे हो काम ए क्या कर रहे हो महाराज चुप रहो अजरडी ब्राह्मण है काशी वाव व्यास पुस्तके लेके चले हो ना काशी को और का झंडम में छोड़ जाएगो अर्ध भोजन वृद्ध गाय और दाता दी तो नरक किया है कथा का फल ही यही है शुरू है जाए कोई भी कथा हो सब कथाएं हाँ जा कथा में देवतन को नाम परमात्मा को नाम वही कथा है हाँ। सुने तो पूरी सुने और का अर्ध भोजन दाता दे पूजा काऊ है आधो भोजन उन्हें दे ना। और दाना में बूढ़ी गाय उन्हें दे ना। दूध तो देवे चलते गाय चार छह दिन ठाड़ी परी हो हाँ। श्री राधे बढ़िया करे आदमी
हरी सिंह सुनवैया जो कहते हैं हरी सिंह तो दबे मादर मारते जब तो और मल्ल मारते सा छुट्टा पर ये क्या सारो कमी ना है तो बुढ़ापे ने कह राजा के देखे भाई शाहबाज जी बात तो सही कही है पूरा ना मालूम भाई वाह अरे जेबे सारे परमाणु देते है कोई ना माने तो नजीर देने लग जाते है नजीर हरि सिंह ले महाराजा पर था गाड़ी अगार द्वार पे आ गई ठाड़ी है गई सेठानी भवन को समेटा करी करी गई और लक्ष्मण सेठ दे कह रही है त्याय आएगा इसी सब है मौत कांते ले आयो हमारी काजे सोते जाए कांते ले आयो ये छाती पे भैया नगे जी बात है और का हरि सिंह हाँ चौक तुलसीदास लिख गए हाँ मोहन नार नार के रूपा पर नगारी रीत ले राजा प्रथम सेठानी भवनों समेटा सो थे सेठ ने कही क्या बक रही है अच्छा चुक मन न पर भई अरे घर में हो हरि सिंह और कोई सारी सरेज रिश्तेदार आदमी के संग आ रही हो तुम पे बान होए साइकिल होए मोटरसाइकिल हाँ फटफट होए या गाड़ी चार पहिए होए पहले को करते बड़े बूढ़े हो तो मोटरसाइकिल भाई साहब आज पहली बात तो पहली बात तो हम कर रहे हैं हाँ हमारी बात न क्यों सुनो भैया हैं तो जब गुआ जब आले में आएंगे तो वहीं फटफट गुआ पे धर के भैया रे आदमी लावे पे घर हाँ और द्वार पे ठाड़ी पाए जाए पहले रब्बा भारक से पहले रब्बा भारक से तो हरि सिंह हाँ चाहे संग बैयर आ जाए और चाहे बैयर द्वारा पे ठाड़ी हो पाई पत्ता ही तो चलते का है अरे फुक जाएगी कोला है जाएगी भाई जी आवाज कोला से लग जाएंगे और पर सेठ ने कही क्या लग रही है वारे वारे राजा पर तुम सुन के लाला बोलो ना बात में फी पर ले बालक बैठी गाड़ी में मेरी लगत धर्म की मन मत समझे और पर ये कबेठी मेरे भान बती है जाऊ ग्वाई के समझ ले प्रथम बड़ो खुश हो जा करे अरे दीमान मारे बार लक्ष्मण सेठ हम बैठे भी बाहर हो है प्रथम ने कही दीमान देखी हो कथा में जो पंडित तो कितनी देर ब्राह्म लगा रहे हो जाओ ध्यान रखी कछु टाइम हतो है हाँ हतो है भाई 10-5 मिनट और का अच्छा चोगो जी बार बार लेन चुक करतो है और का 3 मिनट रह गए अच्छा बार बार लेन चुक करतो है प्रथम ने कही अरे कहो पंडित जी क्या भयो क्या भयो पर पड़ जा जो आसपास क्षेत्र और का जैसे हमारी जनता सुन रही है हाँ। और प्रेमी ऐसे हुए फोन बड़ा प्यार से करते हैं और का भाई हमारी सूरत तो ना है भाई देख सूरत वहां में देख रहे हैं सूरत को काट के आना मलू गाय को नहीं जाते हाँ जब तो हरि सिंह फुसा है कि तो कर गए हम हाँ तुम जानते ही हो और का ऐसा ऊपर मिलते अरे वाह अरे जनता खुश है फोन में बता देंगे कि बढ़िया बात है जोड़ा में जो करना है जो बात छोड़ो कथा है हरि सिंह चीजें होते कथा में अच्छा भाई वाह ले राजा प्रथम अब कथा में विराम लगाऊंगा थोड़ी देर क्या भयो क्या भयो सेठ ने कही छोरी है छोरी सेठ आनी बड़ी खुश है सेठ अभी कथा है सुनने अभी तो लेकर चैन पर रो थोड़ी सी गोरा मन है कछु बीमारी और भी बनेगी ओहो मोती पन्ना ध्यान भयो हमारो दादा लेगो काओ कोई बीमारी है झाड़ी ते सरक सरक के दो छोरा हरि सिंह बात है भाई तुम जानते हो के बालक वैसे
कुदड़ी हो तो काए हां ओ कछु कुदड़ी अलग रहते हैं कछु शर्म मारियो बड़े बूढ़े तने अलग ही रहते हैं जब बात न करेंगे बड़े बूढ़े ना अलग ही अलग जात जवानी तो बात ही अलग है हां कुदड़ी तो अलग ही रहते हैं जब बनौआ बन तो दिखे वो हां तो कुदड़ी हो चाहे बिना कुदड़ी हां सब आ जाता है पांच तरह भाई वो आपको डोकर ही मांस रखते हैं हां जब जे बात ध्यान में आई के लच्ची सेठ मन जाए झाड़ी में ते घर लेगो और का गाली सुनदा हाँ। और बात सुन लई और मोती पन्ना दू होड़ाई हां चुवाई हमाओ डोकरा लेगो का कोई बीमारी और जाई कथौ में पहुंच गई हमारे घर ही हां अबे तोय ला सलका हां हां आप सही बात कह रही हैं मोती राम ने कही पन्ना ते ओ भातई हां तोय ला सलका हां हां कहा गुबार हां मुआवाई जे गोवे गेगो हां कपल्ला वनिया और मोतीराम लक्ष्मण ने छोरा हुआ छोरा समुद्र में डाले डाले आए पाप के लाल सारे राजा मर भाई दी गो मरास लग रही है सारे वाहुए के गो देखो लक्ष्मण ने झोरे आए रे दादा दिख रही है पल्ला मोती लक्ष्मण ने झोरे आई कथा सुन रहे दादा हां जानो जैसे हां प्राण बचाओ यहां तक कैसे निकालो कैसे निकालो हां अरे प्रथम ने गई दीमा हां एक काम कर हां गेट बंद करवाया तारे जलवाए बेकतरियो बनिया लेकर न जाए तारे जलवाए दे लेकर न जाए के तो उसे चल्ला दे पुन लेकर जाए और का इनते तो प्रसन्न करूंगा ना भाई और का पंडित तो कह रहो कथा में हां जिन पूछूंगा जिंदी छोड़ आए के मार आए और का और सेठ एक को लेकर न जाए हां अरे तुम्हें क्या भाव क्या भाव भाई पल्ला मोतीराम भयभीत लक्ष्मण ने ध्यान आयो रे बिरचो लो बैठे रे आहा अबे का चलते हां तुम जो पाप करयो ना है हां गुकिल्ला रो बेटे और तुम्हें क्या काम करयो ले राजा पर था जनतो बेसबरी इंतजार कर रही है और का कह जाए पुस्तक है जल्दी जल्दी पलटे वो गाय दे रहे हूं ये पंडित सारा चूती आ रहे का रो विवाद कौन है अगर तुम्हें अरे ना ऐसे कोई ना कहो भाई सब बात तो बतावनी है प्रथम है ओनो रानी है सवन फसल है समझ आवे नहीं पड़ते का भयो और वो भाई भी थी कथा तो रगे बनाई है और अगवाई है सुना रहे हो व्यास बन व्यास बन अगवाई है जी हां जे बिजेंद्र सिंह सुनाई ले राजा प्रथम हां सेठ के घर वाई सेठ आनी बड़ी खुश है छोरी है क्या काम करो खुशब खती में आ गई छोरी है हाल की जन आ रही है अरे कहले कथा सुने गोरे राजा अब बेटे की बात है अब तो कहाँ तक दे वो सुनाई अब तो कहाँ तक दे वो सुनाई अब तो कहाँ तक दे वो सुनाई अरे खुशब खती में आ गई है सेठानी बुलाए दे घर घर मेरे लगवाई बुलाए दे घर घर मेरे लगवाई बुलाए दे घर घर मेरे लगवाई और कहा ले कथा सुने गोरे राजा रानी ले गई गाय बजाई रानी ले गई गाय बजाई ले गई गाय बजा अरे बजिया खातर मेरे लगे रही है करहिया बदईरे धरवाई हाल की जनर हारी मेरे धरवाई करिया चूले मेरे धरवाई अरे जे खातरे करवे लग गई और तारीफ कही रे नहीं जाई रे अब तारीफ कही नहीं जाई और तारीफ कही नहीं जाई अरे गुआ नरवर करे राजा है भूपने डग डग नहीं रे हलाई धारा धड़गना में थे
हरी सिंह ले रे राजा प्रताप सेठानी खुशबगती में आ गई है बुलाई दे घर घर में लगवाई कहले कथा सुने गोरी राजा प्रथम रानी मंझा ले गई गाय बजाई सेवा करवे लगी करहिया जन चूल्हे पे धरवाई और अब के जाते कथा बढ़ हंगो गार पूरे प्रथम राजा ब्राह्म कथा में देव लगाई।